A very good morning to all my dear HS first year students. I hope all of you are doing well. Once again, welcome to today's class. So before starting the class, let me give you today's homework. Today's homework is that you have to learn what is knowledge and what are the forms of knowledge. Okay? That is also 6 marks. What is knowledge? एंड वट आर द फॉर्म्स ऑफ नॉलेज. ये क्वेश्चन आप लोगों को याद करना है, लिखना है बिना देखे और मुझे सेंड करना है. देन आई डू द करेक्शन एंड आई गिव यू द मार्क्स. ठीक है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्लास. हम लोगों ने शुरू किया था कैटेगरिकल सिलोसिज्म. वट इज ए सिलोसिज्म? A syllogism is a form of mediate deductive inference in which the conclusion is taken from two premises taken jointly. Where the conclusion is drawn from two premises taken jointly. ठीक है. जो ये जो syllogism है, ये syllogism एक form है mediate deductive inference का, जिसमें हम लोगों को दो proposition दिया जाता है जिससे हम लोग एक conclusion निकालते हैं. ठीक है, clear? Now let us give a quick revision of the structure of a syllogism, which is very very important topic. मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है. The structure of a syllogism consists of three and only three proposition. किसी भी syllogism में सिर्फ three and only three proposition होना चाहिए. तीन से कम भी नहीं, तीन से ज्यादा भी नहीं. ठीक है. नाउ ये जो तीन प्रपोजिशन है, इन तीनों में से दो प्रपोजिशन हम लोगों को दिया जाता है. इन दोनों प्रपोजिशन को बोलते हैं प्रेमिसेस, और एक प्रपोजिशन हम लोग इन दोनों प्रपोजिशन से इन्फर करते हैं और डिराइव करते हैं, उसको बोलते हैं कंक्लूजन. ओके. द टू गिवन प्रपोजिशन आर नोन एज प्रेमिसेस एंड द प्रपोजिशन विच वी इन्फर फ्रॉम द गिवन प्रपोजिशन इज नोन एज कंक्लूजन. ओके. नाउ इन दिस थ्री प्रपोजिशन देयर आर टू टर्म्स. ओके. एक प्रपोजिशन में दो टर्म होता है. ओके. सो तीन प्रपोजिशन है तो कितना टर्म होना चाहिए? अगर तीन प्रपोजिशन है तो कम से कम 6 टर्म होना चाहिए. राइट. दैट मीन्स अ सिलोसिज्म कंसिस्ट ऑफ 6 टर्म्स. एक्चुअली नो. हम लोगों ने ध्यान से सिलोसिज्म को देखा, फिर हम लोगों को पता चला कि ये जो टर्म्स है, दो देयर आर 6 टर्म्स बट ईच टर्म इज ऑकरिंग ट्वाइस. एक टर्म एक सिलोसिज्म में दो बार आता है. ओके. सो जो भी टर्म दो बार आता है उसको हम लोग एक ही मान के चलेंगे. ठीक है. सो थ्री टर्म्स है क्योंकि 6 टर्म्स जो हम लोगों ने सिलोसिज्म में देखा है वो सारे दो बार ऑकर हो रहे हैं. इसीलिए देयर आर नॉट 6 टर्म्स बट 3 टर्म्स इन अ सिलोसिज्म. सो इन अ सिलोसिज्म देयर आर 3 प्रपोजिशन 3 टर्म्स. ठीक है, याद रहेगा ना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ सिलोसिज्म? देयर आर 3 टर्म्स इन अ सिलोसिज्म. नाउ ये जो टर्म्स है उनको एक नाम दिया गया है. ओके. द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज नोन एज मेजर टर्म. द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन इज नोन एज माइनर टर्म. And the term which occur in both the premises but not in the conclusion is known as middle term. ठीक है. So अगर आप लोगों को पूछा जाए what is a major term, then what will be the answer? The predicate of the conclusion is the major term. What is a minor term? The subject of the conclusion is known as minor term. And what is a middle term? The term which occurs in both the premises but not in the conclusion is known as middle term. Clear? Structure clear? आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी about the premises. ये जो premises है syllogism का, उसको भी एक नाम दिया गया है. So let us see what are the names of the premises.
ठीक है. नाउ सी, दिस इज अ सिलोजिज्म. ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल किंग्स आर मैन, देयरफॉर ऑल किंग्स आर मॉर्टल. सिलोजिज्म. सो इस सिलोजिज्म में टू आर द गिवन प्रपोजिशन नोन एज प्रेमिसेस. One is the inferred proposition known as conclusion. ठीक है, clear? Now, the predicate of the conclusion is major term. The subject of the conclusion is minor term. ठीक है. And the term which occurs in both the premises but not in the conclusion is middle term. Okay? So, premises. किस premises को कौन सा नाम दिया गया है? The premise in which the major term occurs. Okay? This is the major term known as मेजर प्रेमिस. ठीक है. सो मेजर प्रेमिस कौन सा है? द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज नोन एज मेजर प्रेमिस. एंड यहां पे मॉर्टल इज द मेजर प्रेमिस, सॉरी मॉर्टल इज द मेजर टर्म बिकॉज मॉर्टल इज द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन एंड मॉर्टल ऑकर्स इन द फर्स्ट प्रपोजिशन और फर्स्ट प्रेमिस. दैट्स वाई द फर्स्ट प्रेमिस इज नोन एज मेजर प्रेमिस. ठीक है. सो जिस प्रेमिस में मेजर टर्म ऑकर होगा उस प्रेमिस को हम लोग मेजर प्रेमिस बोलेंगे. ठीक है. नाउ व्हाट इज द माइनर प्रेमिस? द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन इज नोन एज द माइनर प्रेमिस. तो सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन कौन सा है? किंग्स. किंग्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन. दैट इज किंग्स आर द माइनर प्रेमिस, सॉरी माइनर टर्म. सो the premise in which the minor term will occur is known as minor premise. समझ में आया? फिर से एक बार, जिस premise में major term occur होगा वो होगा major premise. So इस syllogism में mortal is the major term और मॉर्टल फर्स्ट प्रेमिस में प्रेजेंट है, इसीलिए फर्स्ट प्रेमिस को हम लोग मेजर प्रेमिस बोलेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, जिस प्रेमिस में माइनर टर्म ऑकर होगा वो होगा माइनर प्रेमिस. सो इस सिलोसिज्म में किंग्स इज द माइनर टर्म और किंग्स सेकेंड प्रेमिस में ऑकर हो रहा है, इसीलिए द सेकेंड प्रेमिस इज द माइनर प्रेमिस. ओके. एंड दिस इज द कंक्लूजन. सो मेजर प्रेमिस, माइनर प्रेमिस, कंक्लूजन. फिर से एक बार, मेजर प्रेमिस, माइनर प्रेमिस, कंक्लूजन. मेजर प्रेमिस क्योंकि इसमें मेजर टर्म मॉर्टल है, माइनर प्रेमिस क्योंकि इसमें माइनर टर्म किंग्स है, एंड दिस इज द कंक्लूजन. ठीक है, क्लियर? नाउ ये जो टर्म्स है इसको एक सिंबॉलिक नाम भी दिया गया है. Now let us see what are the symbolic name of major term, minor term and middle term. ठीक है. The symbolic name of major term is P. The symbolic name of major term is P. The symbolic name of minor term is S. The symbolic name of minor term is S. The symbolic name of middle term is M. The symbolic name of middle term is M. ठीक है, क्लियर? फिर से एक बार देख लेते हैं. Out of the three proposition in a syllogism, the two given proposition are called the premises. The first premise is known as the major premise because the major term occurs in it. The second premise is known as minor premise
बिकॉज द माइनर टर्म ऑकर्स इन इट एंड द लास्ट इन्फर्ड प्रेमिस इज नोन एज द कंक्लूजन. नाउ दिस थ्री टर्म्स दैट इज मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड मिडिल टर्म हैज बीन गिवेन अ सिंबॉलिक नेम. व्हाट इज द सिंबॉलिक नेम ऑफ मेजर टर्म? पी. व्हाट इज द सिंबॉलिक नेम ऑफ माइनर टर्म? एस. व्हाट इज द सिंबॉलिक नेम ऑफ मिडिल टर्म? एम. ठीक है, याद रहेगा ना? आई होप सबको समझ में आया होगा. मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी एंड प्लीज सबमिट योर होमवर्क रेगुलरली फॉर योर अटेंडेंस. ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.